राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सीता की खोज भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि रावण सीता का हरण करके लंका में चला जाता है। इधर राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए पक्षीराज जटायु तक पहुंच जाते हैं, जो घायल अवस्था में वन में पड़े हैं। उन्हें रावण ने तब घायल किया था जब जटायुराज ने सीता को बचाने का प्रयास किया था। जटायुराज राम को बताते हैं कि रावण सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर गया है। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे। ये कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में हूं ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। प्रणाम, प्रणाम जटायुराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी, रावण का नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेकर वो गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। पक्षीराज, हाँ सीते, भ्राता, ये समय विलाप करने का नहीं है। हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होंगे। हाँ, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आईं, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध
देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांस पिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वो अपने शिकार को भुजाओं में लपेट कर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने भ्राता राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूं। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो। अवश्य। मेरा अंतिम संस्कार राम करे। स्वीकार है। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वानरराज सुग्रीव का क्षेत्र है। अच्छा। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को आवश्यक खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी। उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। मतंग ऋषि? वहीं उनकी शिष्या शबरी रहती है। शबरी? आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल ले। कबंध, कबंध। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ। सीता तक पहुंचने की
आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था, लता कुंज से घिरा हुआ। सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वो ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई, उनकी आवभगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गईं। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा, आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वो अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मेनी, नीरज शर्मा, बी एल टंडन, शांति एस कालरा, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।